नमस्कार, मैं आदित्य ठाकुर को स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच रेलवे बोर्ड ने आज फैसला किया कि 12 अगस्त तक एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, मेल, लोकल ट्रेन और ईएमयू ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी की भी 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेन में बुकिंग है तो उसे पूरे 100% रिफंड यानी कि पूरा पैसा वापस मिलेगा। आपको बता दें, 13 मई के अपने आदेश में रेलवे बोर्ड ने कहा था कि 30 जून तक रेगुलर ट्रेन की बुकिंग कैंसिल की जा रही है और इसमें यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। अब जबकि ट्रेन कैंसिलेशन की तारीख बढ़ा दी गई है तो रिफंड की सुविधा भी अब 12 अगस्त तक कर दी गई है। इस दौरान 12 मई से चालू स्पेशल राजधानी ट्रेन और 1 जून से चालू स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी। इससे पहले रेलवे मिनिस्ट्री ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी करते हुए सभी जोन को सूचित किया था कि 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड कर दिया जाए। अभी तक रेलवे ने 30 जून तक ही रेल सेवाओं को बंद करने की घोषणा की थी। ताजा सर्कुलर में इसे 12 अगस्त तक कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 15 अगस्त के बाद चल सकती हैं ट्रेनें? रेलवे के नियमों के अनुसार अधिकतर 120 दिन पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक कराया जा सकता है। अब जब रेलवे ने 14 अप्रैल और उससे पहले के सभी टिकट का रिफंड करने को कहा है, यानी करीब 15 अगस्त से पहले तक की बुक सभी टिकटों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो रेलवे की तरफ से अभी मांग को पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी उन्हें भी स्पेशल ट्रेनों की कैटेगरी में रखा जाएगा। बता दें कि अभी करीब 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। नई ट्रेनें भी इन्हीं के जैसी होंगी।